पेशेंट का पेट इतना बड़ा क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे प्रेग्नेंट हो। वो क्या ना डॉक्टर मोदी, पेशेंट को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। तो डॉक्टर शुभांकर ने सोचा कि उसके साथ उसका भी इलाज करें। डॉक्टर शुभांकर एक कार्डियक सर्जन है, किसी के गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को संभालना उनका काम नहीं है। वो क्या है ना कि जो जो पेन है ना वो पेट में से वेन में घुस गई और वेन से ऐसे हार्ट में चली गई मस्त में, इसलिए वो हाँ। और उन्होंने सोचा पहले पेन ठीक कर लेते फिर तो हार्ट पे जाएंगे, यू नो। हाँ या वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस होता है, कॉम्प्लिकेटेड। It's baby. ये अंकल ने बेबी दिया। एक सेकंड, योनि पेशेंट्स में से है ना जिसको संजीवनी से निकाला गया था? हाँ। और अगर इसके लिए किसी को जिम्मेदार ठहराना है तो वो मैं हूं। नॉट बैड डॉक्टर मलिक, आज तक आपने बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं, लेकिन ये वाला समथिंग एल्स। थैंक यू डॉक्टर मोदी, मैंने आपसे कहा था ना हम अपने पेशेंट्स के लिए कुछ भी कर सकते, चाहे वो रूल्स तोड़ना है क्यों ना। तो आपको लगा कि आप छुपके से यहां हॉस्पिटल में सर्जरीज करेंगे, मेडिसिंस और इंजेक्शंस चुराएंगे, तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो आपको सब पता था? एग्जैक्टली स्वीट, यू नो प्लान अच्छा था, थोड़ा वीक था लेकिन अच्छा था। डॉक्टर कीर्ति वो भी नर्स के कॉस्ट्यूम में, ये प्लान थोड़ा पुराना, यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन डॉक्टर निकिता, आपके मेडिकल एक्सपर्टीज के बारे में ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन एज एन एक्ट्रेस आप काफी अच्छी हैं। वैसे अगर आप सब मुझे पहले से बता देते तो मैं आपको रोकता नहीं, आफ्टर ऑल मैं भी एक डॉक्टर हूं। Really? अगर यही बात है तो आप डॉक्टर कीर्ति और उन पेशेंट्स को वापस क्यों नहीं ले लेते? वो इसलिए डॉक्टर रिधिमा, क्योंकि मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी गई है जिसको मुझे पूरा करना है, इसीलिए मैं आप सबको आखिरी बार वॉर्न कर रहा हूं, अपने ये बचपना छोड़ दो। तो आप ऐसे नहीं मानेंगे? All right then, Dr. Modi. हम डॉक्टर कीर्ति और अपने पेशेंट्स के साथ ये नाइंसाफी नहीं होने देंगे। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर मलिक? दो दिन में आप खुद डॉक्टर कीर्ति और हमारे सारे पेशेंट्स को वापस संजीवनी मिले। वो भी मुस्कुराते हुए। आप कितनी बार मुझे चैलेंज करके हारेंगे डॉक्टर मलिक? चलो एक चैलेंज और सही। डॉक्टर मलिक योर ऑन।
क्या सोच रहे थे तुम? दो दिन में क्या होगा अरमान? फालतू में पंगा ले लिया है। लेकिन क्यों अरमान? Hey guys, क्या तुम लोग भी यार, उसने सोचा होगा ना मस्त में ऐसा रैपचिक टाइप कुछ तो भी है ना भाई? Guys, थोड़ा तो भरोसा करो यार, दो दिन कहा है तो दो दिन में डॉक्टर कीर्ति और वो सब पेशेंट वापस जरूर आएंगे। अभी मन्नी तो क्या उसका बाप भी मानेगा? क्या इसमें उसका बाप भी इन्वॉल्व है? कब से यार? अतुल, क्या हुआ? लेकिन कैसे अरमान? I love you. क्या? अरे गाइस, मेरा मतलब है आंदोलन का अगला कदम। I love you. हाँ? You mean नारेबाजी? हाँ। अरना? बिल्कुल नहीं है। ओ तेरी। फिर? I love you. गांधीगिरी का मंत्र चला है। संजीवनी का हर एक मेंबर, डॉक्टर से लेके वार्ड बॉयज तक, नर्सेस से लेके पेशेंट्स तक, वो सब जाकर अभिमन्यु को एक एक फूल देंगे। सर, आई रियली लाइक यू एंड लव यू। थैंक यू नर्स, लेकिन आपको बता दूं कि एक हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में इस तरह की हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। प्यार और थोड़ा और प्यार। ओ अंग्रेजी में कहते हैं ना, आई लव यू, आई लव यू डॉक्टर साहब, आई लव यू। मुझे पता है आप ही। और उस पर इतना प्यार जताएंगे कि उसे खुद महसूस हो जाए कि उसने कितना गलत कदम उठाया, और तब तक प्यार करते रहेंगे जब तक वो डॉक्टर की थी और बाकी सारे पेशेंट्स को वापस नहीं बुलाता। मतलब अहिंसा। डॉक्टर अतुल, ये लेटर आपके लिए। माय डियरेस्ट अतुल, अरे वाह, एक और प्यार भरा खत। स्टैम्प, ये सब लव स्टोरी बाद में करना, पहले देख डॉक्टर अभिमन्यु है कहाँ, उस पर नजर रख। हाँ हाँ, वही वही सोच रहा था मैं भी, बाद में ही देखता हूँ मैं। Sounds like a plan. I love you. I love you. I love you. हाँ, okay. Thank you. आज मेरा जन्मदिन तो नहीं है? Thank you. Dr. Modi, अपनी जान बचाओ। डॉक्टर अभिमन्यु, वी लव यू। यस सर। ये सब क्या है, किसने भेजा है? ये तो फूल है सर। अरे मैं जानता हूं ये किसने भेजा है। पता नहीं सर, मेरे आने से पहले यही थे। ए, चलो चलो सब लोग आ जाओ, और एक एक करके आना, एक एक करके लाइन में। अपन तेरे लिए बुके लेके आए। क्या ये रख, मस्त है। मैं तेरे को पप्पी कहना चाहता।
अरे अंकल आपको शर्म आनी चाहिए, मैंने आपको बोला था ना कि अभिमन्यु सर कितने बिजी आदमी है, आपके पास सिर्फ 15 सेकंड है, सिर्फ 15 सेकंड, आपने इतना टाइम लगा लिया, पता नहीं बाहर कितने लोग खड़े लाइन में सर को अपनी मुबारकबाद देने के लिए। मैं जाके भेजूं उन लोग को। हाँ भेजो भेजो भेजो। सर लव यू। जाइए जाइए। नेक्स्ट नेक्स्ट किस बात का? अरे ये लोग मुझे मिलने क्यों आ रहे हैं और मुझे आई लव यू क्यों कह रहे हैं? सर मुझे नहीं मालूम, आप खुद ही पूछ लीजिए ना। काम करता हूँ। काश अंजलि ये सब देखने के लिए होती है यहाँ पे। ठीक है चल, उसी लड़की का लेटर है, देख इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आंदोलन का स्टेप 2 बाकी है। चल हाँ चलो 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 चल, तेरे लिए नहीं मेरे लिए, तेरे लिए तू तेरा राहुल का लेटर पढ़। चल कोई मुझे गले लगाने की कोशिश कर रहा है, कोई मुझे फूल दे रहा है, कोई मुझे आई लव यू कह रहा है। आई लव यू टू। क्या? अरे आपको सब क्यों नहीं प्यार करेंगे? इतने हैंडसम है आप, इतने माचो, अरे वो क्या कहते हैं, दम है आप में। थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू। क्या हुआ? कुछ नहीं डॉक्टर शुभांकर, लेकिन आपको गलत फहमी हो रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मजाक कर रहे राइट? नहीं बिल्कुल नहीं, मजाक कर रहे राइट? अरे सब जानते हैं आप राइट? फॉर यू डॉक्टर शुभांकर, मेरे पास पहले से इतने फूल है तो प्लीज प्लीज मेरी तरफ से प्लीज प्लीज। शर्माइए मत, प्लीज अब मेरी बारी है डॉक्टर शुभांकर। कम ऑन कम ऑन कम ऑन प्लीज कम ऑन कम ऑन, आप गलत समझे, मैंने कुछ किया भी नहीं है प्लीज। देखो डॉक्टर बिमला, इट्स ओके, आपकी यही बात मुझे इतनी अच्छी लगती है, सब कुछ किया और फिर कहते हैं कुछ किया ही नहीं। कुछ नहीं ठीक है, नहीं आप ऐसे नहीं मानेंगे, एक मिनट यार, आप ऐसे नहीं मानेंगे। So handsome. ये लीजिए, आप ही पढ़ लीजिए प्लीज। So so handsome. मैं पढ़ लूंगा। नहीं प्लीज पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए। मैं पढ़ लूंगा। अभिमन्यु मोदी की वजह से संजीवनी के निकाले हुए पेशेंट्स और डॉक्टर कीर्ति को वापस एडमिशन मिला। क्या हो रहा है यहाँ पर? हो रहा नहीं, हो गया है, उसकी हालत तो देख। अंजलि तुमसे एक बात करनी थी। हाँ। क्या है ना कि मुझे उस लड़की ने फिर से एक चिट्ठी भेजी है, तो मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, क्या करूं? मुझे क्या पता जो करना है करो। अरे तुम बताओ ना। मैं क्यों बताऊं, तुम्हारी चिट्ठी तुम्हारी प्रॉब्लम। अरे कमाल की लड़की है, इसको तो इनसिक्योरिटी नहीं हो रही है। शत पक, इसीलिए सब लोग आपसे इतना प्यार करते हैं। इसके अंदर जो दिल है ना, वो दिल है ना इतना अच्छा है कि डॉक्टर शुभांकर हो गया, आपके पास कोई और काम नहीं है? हाँ,
ठीक है बाप, जाके पेशेंट को देखिए। यस ऑफ कोर्स। ये किसने किया है, किसका काम है ये? चुप रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसी वक्त बताओ कि ये किसने किया है। आई एम वार्निंग यू, मैं तुम सबको सस्पेंड कर दूंगा। डॉक्टर मोदी, डॉक्टर्स को सस्पेंड करने के लिए कारण चाहिए होता है, अदरवाइज इज नॉट पॉसिबल। अब मुझे पता है ये किसने किया है। तो फिर आप पूछ क्यों रहे हैं? डॉक्टर मलिक, आपको ये मजाक लगता है? बिल्कुल नहीं डॉक्टर मोदी, पेशेंट्स को संजीवनी से निकाल देना क्योंकि उनके पास पैसे नहीं, डॉक्टर्स का करियर खराब करना बिल्कुल भी मजाक नहीं है, काफी सीरियस बात है ना गाइस? और हमारे हिसाब से इस बात पर वक्त बर्बाद करने से अच्छा हम सबको उनका ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। डॉक्टर इदमा, जो डिसीजन हमने ले लिया है वो चेंज नहीं हो सकता, संजीवनी में कोई वापस नहीं आ रहा, ना ही वो पेशेंट्स, ना ही डॉक्टर कीर्ति। यू डोंट नो द प्रेस डॉक्टर मोदी, वो इस बात को बहुत एग्जैजरेट करके लिखेंगे। यस मिस्टर मोदी, बहुत बड़ा इश्यू बन सकता है, जो लोग आज आपकी वाह वाह कर रहे हैं कल वो छींची करेंगे। आई मीन वो आपकी बुराई करेंगे। डॉक्टर निकिता, आई रियली डोंट केयर। ओह, सो यू डोंट केयर रियली? तो फिर आप मीडिया को खुद ही ये बात बता दीजिए। आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं ना आप? सर, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तक तो ठीक था, लेकिन अब ये जंग, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आया तो मुश्किल हो सकती है, इसलिए ध्यान रखना। Excuse me. भाई तो भैया, राहुल और मुस्कान कहाँ पे है यार? वो भी लॉटरी के पैसे लेने गए हैं। जाने से पहले मैं तुझसे कुछ कहना चाहता था। पैसे मिले या ना मिले मुस्कान, लेकिन इतना कहना चाहता था कि रेडी रेडी लाइक यू मुस्कान। जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ मौका देखता है तुझे गले लगाने का। तू भी ना, जब मैं नहीं चाहती ना फिर मेरे को सर दिलाता रहता है तू। उसको तो संगीत पर जैसे लोगों को जानती नहीं है। वो कंट्रोल योर सेल्फ, और ये रोब ना किसी और पे जमाना। मैं तेरी सच में बीवी नहीं हूँ। शुक्र है सच में बीवी नहीं है। शुक्र तो मेरा है कि मैं तेरी बीवी नहीं हूँ, और ये एक नाटक है। बस मेरे पैसे मिल जाए और ये नाटक खत्म हो जाए। ओह माय गॉड,
अगर मैं सच में तेरी बीवी होती तो बस उठते बैठते तो मुझे सब टोकता ही रहता ना। मुस्कान, अगर मैं तेरा सच्चा पति होता ना, किसी पराए मर्दी हिम्मत ना होती तेनु गले लगा दी। ओ, आप इनकी असली पत्नी नहीं है। असली? मैं इनकी नकली में भी बीवी नहीं हूँ। और आप भी इनके असली पति नहीं है। ये बेवकूफ हूँ मैं, फिर बेवकूफ शादी करेगा तुझसे। यानी कि आप दोनों पति पत्नी कदापि नहीं है। मैं वही हूँ श्रीमान एवं श्रीमती ग्रेवाल जो आपको चेक देने वाला था।